अभी मैं डाल देती हूँ मसाला। हेलो गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली वेजिटेबल व्हाइट पुलाव। तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 2 किलो के करीब सब मिक्स भाजी ली हूँ। आपके ऊपर है, जो भी आपको पसंद है भाजी में वो सब डाल सकते हो आप। तो मैंने यहाँ पे लिया है गाजर और फरसदी, फ्लावर, वटाना, आलू, सब मैंने मिक्स ली हूँ और फ्लावर भी लिए साथ में। और मैंने सोयाबीन भी ली हूँ, लेकिन वो दिखा। तो साथ में मैं यहाँ पे ली हूँ अदरक लहसुन 1/4 किलो मिक्स करके मैंने पीसी हूँ। और इसके अंदर 1/4 किलो हरी मिर्च और थोड़ा सा कोथमीर और पुदीना डाल के सब मिक्सचर को पीस लिया है मैंने। और साथ में यहाँ पे मैंने कुछ अखा गरम मसाला लिया है, एक चम्मच शाही जीरा है, 8 से 10 छोटी इलायची, 8 से 10 लौंग, 8 से 10 काली मिरी और 2 स्टार फूल। साथ में मैंने यहाँ पे बड़ी इलायची ली 2 और 4-5 टुकड़ा दालचीनी का लिया है मैंने। तो साथ में मैंने यहाँ पे 4-5 तेज़पत्ता ली, उसे तोड़ के ली हूँ। और यहाँ पे मैंने लिए 1/2 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही मैंने तेल ली हूँ। और ये हो गया है गरम, तो अभी मैं डाल देती हूँ मसाला। तेल हो गया बहुत गर्म, जल्दी भून जाएगा तेल, गर्म है तो सांभर जल्दी भून जाता है। तो गाइस, मैंने यहाँ पे सोयाबीन लिए हैं 200 ग्राम, इसे भिगो के लिए हैं, थोड़ा सा फूल भी गए हैं, आप लोग देख सकते हो। साथ में हमारा ये वेजिटेबल, मैंने आलू भी बोली, शायद मैं नहीं बोली उसके लिए, आलू भी बता रही हूँ। तो सब मिला के मेरा भाजी है ये 2 किलो और ये 200 ग्राम सोयाबीन है। तो भीग के बहुत सारा हो गया है, 1/2 किलो के करीब हो गया है। तो साथ में हमने यहाँ पे लिया 1/2 किलो टमाटर। तो यहाँ पे हमने लिया है थोड़ा सा पुदीने के पत्ते और 2 नींबू है। तो साथ में हमने लिया है 2 पैकेट दही और यहाँ पे थोड़ा सा कोथमीर लिया है। तो गाइस, इसमें दही ज़रूर डालना, दही से अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ में नींबू भी डालना। तो गाइस, अभी कांदा गोल्डन होने लग गया है, हमें पूरा गोल्डन करना है इसे। कांदा लाल हो गया है, गोल्डन का है। तो इसे हम नरम होने तक पकाएंगे। अभी साथ में हम अदरक लहसुन कोथमीर पुदीना हरी मिर्च का पेस्ट, इसे भी हमें अच्छे से मिक्स करके इसे अच्छा भूनना है, जब तक इसका कच्चा फ्लेवर नहीं जाता है। और जितना हम भूनेंगे उतना ही इसका पुलाव में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अभी हम डालेंगे साथ में नमक, नमक स्वाद अनुसार डालना, 4 चम्मच डालूंगी क्योंकि भाजी चावल बहुत सारा है। हाँ, तो गाइस, मैं इसके अंदर मसाला डाल रही हूँ, इसमें मैं गरम मसाला नहीं डालती हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करके इसे अच्छे से भूनना है, मैं इसमें गरम मसाला नहीं डालती हूँ। और इस मेरी तरह से अगर बनाएंगे ना, तो आपका पुलाव, आप वेज पुलाव भी बनाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि चिकन पुलाव या मटन पुलाव ऐसा है बनेगा, बहुत ज़बरदस्त पुलाव बनता है। मेरी तरह पुलाव बनाओगे तो, मेरे स्टाइल से बनाओगे ना, आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा और भटियारे से भी ज़्यादा अच्छा बनेगा ये ऐसा पुलाव। अभी अच्छे से मसाला भून गया है, तो मैं डालती हूँ इसके अंदर भाजी। भाजी को भी हमें 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है। मैं इसमें मिर्ची पाउडर वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ, हमें व्हाइट बनाना है तो इसके लिए हरी मिर्ची यूज़ करना आप लोग भी। और लाल मिर्च से ज़रा टेस्ट भी बिगड़ जाता है, उसके लिए हरी मिर्च ज़रूर डालना, इससे ही बनाना। बंद करूँ तो
गाइस मैं डाल रही हूँ सोयाबीन, पानी थोड़ा सा है इसके अंदर डुबाई थी ना तो मैं इसे बंद कर दी। मैं सोयाबीन भी डाल चुकी हूँ और इसको मैं अच्छे से मिक्स करना है मसाले में। 5 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे, भूनेंगे। गाइस अभी डालेंगे दही, पूरा निचोड़ के डालना है दही। और मैं 2 पैकेट डाल दूँ क्योंकि हमारा पुलाव जो है बहुत सारा बनने वाला है। सब मिला के 5 किलो 5.5 किलो का कुछ बन रहा है खाना। 2.5 किलो भाजी है और 3 किलो मैंने चावल ली हूँ। भाजी तो मैंने 2 किलो ली थी सब मिक्स, और ऊपर से हमने सोयाबीन भी डाले और चावल हम 3 किलो लिए। अच्छे से मिक्स करेंगे अभी। तो गाइस ये है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और खाना भी बहुत अच्छा बनता है, ज़रूर डालना आप भी। तो हमें ये अच्छे से मिक्स करना है। अंगार तो मैंने अच्छे से लगाई एकदम पीस। गाइस हमें इसमें नींबू डालना है, अब चाहे तो चावल में भी डाल सकते हैं, इसमें ही डाल दी। मैंने इसमें 2 नींबू डाली हूँ। अभी थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ इसमें नमक वगैरह कैसा है। तो गाइस अभी नमक तो बिल्कुल बराबर है भाजी की तरह सही से। तो जब हम पानी डालेंगे, चावल डालेंगे, फिर एक बार हम चेक कर लेंगे। भाजी आधा पक गया है तो अभी मैं डालती हूँ पानी इसमें। जितना हमने चावल लिए थे उसका डबल हमने पानी लिया है। हमें इसे एक उबाल आने देना है, उसके बाद हम डालेंगे चावल। तो जल्दी चावल अभी डालेंगे तो जल्दी उबाल आएगा नहीं, उसके लिए हमें पहले पानी को बॉइल करेंगे, उसके बाद डालेंगे हम चावल। मैं थोड़ा सा हरी मिर्च डाल रही हूँ, ऑप्शनल है, आप लोग चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं भी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है लंबा हरी मिर्च डालने के लिए और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें इसके लिए। अभी एक उबाल आ गया है पानी में। मैंने चावल को भिगा के रखी थी 10 मिनट पहले ही। तो ये कोलम कनी चावल है, इसे अच्छे से मिक्स करना है। और इसमें अभी हम नमक वगैरह देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा नमक डालती हूँ, नमक कम लग रहा है, 1 चम्मच डालती हूँ। तो अभी इसे ढक्कन लगा के 1 उबाल आने तक रखेंगे। तो गाइस अभी 1 उबाल आ गया है चावल में, आप लोग देख सकते हो। मैं डालती थोड़ा सा पुदीना और साथ में मैं डालूँगी हरा धनिया। अच्छे से पानी सूख गया चावल का, और थोड़ा सा मैं भी अंगार निकाल देती हूँ और इसे दम पे रखेंगे। तो गाइस हमारा पुलाव बनके रेडी हो गया है। थोड़ा सा मैं ऊपर से हरा धनिया, कोतमीर, पुदीना डालती हूँ। तो गाइस हमारा पुलाव बनके रेडी हो गया है। तो मैंने सर्व भी करी, आप लोग देख सकते हो, वेज वाइट पुलाव एकदम मस्त लग रहा है देखने में, आप लोग देख सकते हो, इतना ही टेस्टी बना है। साथ में हमने लिया है कचुंबर। क्या बोल रहे हाँ अच्छा, उसको भी अच्छा लग रहा रहेगा ना, मसालेदारी तो खाता है वो। तो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और एक नई रेसिपी के साथ मिलती है। तब तक के लिए बाय।